कभी भी हम लोग सड़क के किनारे चलते हैं, या तो फुटपाथ पर या अपनी गाड़ी से, हर चौराहे पर कुछ भिखारी हमें मिल जाते हैं और दया से हम उन्हें पैसे दे देते हैं। आजकल तो नया चलन चल गया है, कुछ डस्टर, कुछ पेन, कुछ फोन स्टैंड चार्जर लेकर बैठ जाते हैं। हम समझते हैं हम इनकी मदद कर रहे हैं, वास्तव में हम मदद नहीं कर रहे। हम इनके लिए कुआं खोद रहे हैं। यह एक संगठन होता है जो इन भिखारियों को चलाता है। ज्यादातर अच्छे घरों के लोग होते हैं जिनके बच्चों को किडनैप करके इस धंधे में डाल दिया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि इनकी मदद ना करें, परंतु इन्हें नगद ना दें। इन्हें नगद नहीं देंगे तो ये जो भिखारियों का गैंग है, इनकी कमर टूट जाएगी। जो बच्चों को उठा ले जाते हैं उस पर भी लगाम लगेगी। अच्छे कार्य करने के लिए एक मौका चाहिए। शुरुआत आपको स्वयं करनी पड़ेगी। आज ही शुरुआत करें। देखें आपके जीवन में अब आपके भागीदार बन जाते हैं। आप पुण्य कमाने आए थे, परंतु गलती से आप पाप के भागीदार बन गए। गलती आपकी नहीं है, परंतु फिर भी आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। जो पैसे इन्हें देते हैं वह इससे शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, जिससे क्राइम बढ़ता है, जिससे क्राइम से पैसा उठता है, यही चोर बनते हैं आगे चलकर। इन्हें खाने पीने की चीजें दें, इन्हें काम पर लगाएं। धीरे धीरे करके अगर देश को बदलना है तो शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी ही पड़ेगी। अगर आप सक्षम हैं तो इन्हें छोटा मोटा रोजगार करके दें। इन्हें कपड़ों की जरूरत है, इन्हें कपड़े दें, खाना दें, परंतु नकद इन्हें कभी ना दें। जीवन में प्रण कीजिए कि इन्हें नकद नहीं देना है। नकद कहने का अर्थ है रुपया, पैसा। जिस दिन आप इन्हें देना बंद कर देंगे, ऐसे गैंग की कमर टूट जाएगी और भिखारी धीरे धीरे कम होते जाएंगे, क्योंकि भिखारी अच्छे राह पर लग जाएंगे, काम धंधे पर लग जाएंगे। अच्छे लोग होने के बावजूद भी ये जो भिखारी गैंग है, इनके हाथ पैर काट के इन्हें चौराहों पर खड़ा करके भीख मंगवाते हैं। कल्पना कीजिए कि जो हमारे रिश्तेदारों में से किसी के बच्चे गायब हो जाते हैं, वे जाते कहां हैं। हाल ही में एक खुलासा हुआ कि इस राज्य से बच्चे उठा के दूसरे राज्यों में भीख मंगवाई जाती है। तो अगर क्राइम को कम करना चाहते हैं तो कुछ सहयोग आपको भी करना पड़ेगा।